सड़क पर सामान फैलाकर कारोबार करने वालों सहित बस स्टैंड पार्किंग के पास ऑटो गैरेज के कंडम खड़ी वाहनों को हटवाकर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। न्यू बस स्टैंड क्षेत्र समेत मुख्य मार्ग नलघर के सामने जीई रोड पर सड़क तक सामान फैलाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश एवं आयुक्त प्रकाश सर्वे के मार्गदर्शन पर निगम बाजार विभाग व अतिक्रमण विभाग के अमले ने कार्रवाई की। कार्रवाई के लिए पहुंचे निगम की टीम ने अतिक्रमणकारियों की फोटो व वीडियोग्राफी करवाई और उसके बाद दुकान के बाहर सड़क पर फैलाकर रखे गए सामानों को हटवाया। बस स्टैंड पार्किंग के पास ऑटो गैरेज के दौरान कंडम खड़ी गाड़ियों को हटवाकर साफ सफाई करवाई गई। बस स्टैंड के भीतर व मुख्य मार्ग पर आवागमन को लेकर आम जनता को दिक्कत हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए एक दिन पूर्व दुर्ग कलेक्टर मीणा के भ्रमण के दौरान आयुक्त सर्वे की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया था, जिसका पालन करते हुए निगम का बाजार विभाग व अतिक्रमण विभाग ने न्यू बस स्टैंड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान निगम के अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता व दुकानदारों को समझाइश देते हुए कहा कि सामान दुकान से बाहर निकलकर फैलाकर ना रखें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में निगम प्रशासन को सहयोग करे, अन्यथा 10,000 तक का जुर्माना लिया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।